Namaskar students, today we will move to the chapter The Little Bully. Bully means someone who harms others. जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं उनको हम bully कह सकते हैं. There was a small boy called Ravi. Ravi ये नामक एक लड़का रहता था जो कद में बहुत छोटा था. He was in fifth standard. वो पांचवी क्लास कक्षा में था. He was strong, बहुत ताकतवर था. And he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. जो भी उसके साथ स्कूल में जाते थे, जो भी बच्चे उसके साथ स्कूल में जाते थे, उन सबको वो चिढ़ाता था. चिढ़ाने माने जैसे कहना, ए मोटे, ए काले, ए गोरी, ए नाटे, ऐसे करके वो चिढ़ाता था. What he loved to do the most was to pinch. वो पिंच भी करता था, चिमटी भी भरता था या चुटकी भी भरता था. He could make a big bruise appear in half a second. आधे क्षण में वो जहां पे पिंच करता वहां पे नील पड़ जाता था. Another trick he played was picking people with pin. पिन चुकाना भी उसको बहुत अच्छा लगता था. ऐसे बच्चों को तो कोई प्यार नहीं करता कर सकता. सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम. तुमने अंदाजा लगा लिया होगा, गेस माने अंदाजा लगा लिया होगा कि रवि को सब लोग नफरत करते होंगे. ऐसे करके तुमने अंदाजा लगा लिया हो. दे ट्राई पिंचिंग हिम बैक. जो बच्चे को वो रवि पिंच करता वो भी पलट के पिंच करते. But that was no good. वो कोई असर नहीं होता because he could always pinch harder. रवि पिंच करने के मामले में हमेशा अव्वल नंबर था. वो जोर से पिंच कर सकता था इसलिए बाकी बच्चे जब पिंच करते उसको उसको तो उतना असर नहीं होता. बट बाकी जिस बच्चे को रवि पिंच करता उसको बहुत पेन होता, बहुत दर्द होता. They didn't like telling their teachers because that was Telling tales. वो अपने टीचर को बता बता के थक गए थे. हमेशा बताने के बाद ये एक कहानी जैसे हो गई थी, एक नॉर्मली स्टोरी टेलिंग जैसा हो गया था. टेलिंग टेल्स माने स्टोरी टेलिंग, जैसे कहानी बोलते हैं ये तो रोज की कहानी है, ऐसे एक हो गया है. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for the whole day. एक दिन पूरी क्लास जो है वो पिकनिक के लिए गई. कहाँ पे गई? सी साइड पे गई, समुद्र के तट पे गई. ऑल द चिल्ड्रन वेयर मोस्ट एक्साइटेड. सारे बच्चे बड़े खुश थे. ऑन दैट डे द सन शोन ब्राइट. जो सूर्य था वो चमक रहा था. एंड ऑल द चिल्ड्रन वेयर वाइल्ड विद एक्साइटमेंट. एकदम खुश थे सारे बच्चे. दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन एंड सैट डाउन. वो जल्दी से जाके ट्रेन में बैठ गए. But nobody wanted to sit next to Ravi. Ravi के साथ कोई बैठना नहीं चाहता था because he always pinched. क्यों? क्यों Ravi के साथ नहीं बैठना चाहते थे? क्योंकि वो हमेशा पिंच करता था. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. सारे ट्रेन से बाहर एकदम शोर मचाते हुए निकले. डाउन द सैंड दे क्रेज्ड. सब लोग जो रेत था उसके ऊपर दौड़ने लगे. हैंड इन हैंड, हाथ पकड़ के वो जाने लगे. ये रेत पे एकदम दौड़ने लगे. बट नोबडी टुक रवीज हैंड. किसी ने भी रवि का हाथ नहीं लिया. नोबडी वेंट नियर हिम. कोई भी उसके पास भी नहीं गया. कोई उसके पास भी नहीं गया. Ravi was angry. Ravi एकदम गुस्से में हो गया. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. वो एक rocky pool जो था, जो sand के corner में था, वहाँ पे जाके, जो रेत के corner में था, वहाँ पे जाके वो बैठ गया. अकेला बैठा. Sat down by himself. अकेला जाके बैठ. He took out his lunch and looked at it. उसने अपना lunch box खोला और उसके बाद उसको देखा. इट वॉज ए गुड लंच. एकदम मजेदार लंच था. आज तो मम्मी ने जबरदस्त लंच बनाया. क्या बनाया होगा देखते हैं. देयर वेयर
टू हार्ट बॉइल्ड एग्स, दो उबले हुए अंडे थे। वाओ, संडे हो या मंडे, खाओ मुर्गी के अंडे, ऐसे करके एक गाना है ना, तो एक अंडा रवि को बहुत अच्छा लगता होगा, तो रवि को अंडे खाना बहुत अच्छा लगता है। सिक्स जैम सैंडविचेस, थ्री पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर, ए जिंजर केक एंड ए बार ऑफ चॉकलेट, बाकी भी चीजें थी उसके साथ। ही कुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, ये सब अकेला खाता था। ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू हिम, किसी को भी वो देता नहीं था, किसी के साथ भी ये खाना शेयर नहीं करता था। जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग इन ऑन द एग, जैसे ही अंडे खाने लगा, ही हर्ड ए हॉर्स वॉइस, घर्षण वाला आवाज उसने सुना नियर हिम, पास में से ही कहीं से घर्षण वाला आवाज उसने सुना। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट ए बॉय लाइक यू, किसी ने बोला। वाओ, गुड मॉर्निंग, मैं आप जैसा एक बच्चे को देख के बड़ा खुश हुआ, ऐसे करके किसी ने पीछे से बोला। रवि टर्न्ड राउंड एंड स्टेड इन फ्राइट, पीछे की तरफ देखा और डरा भी हुआ था। क्या देखा होगा रवि ने, हम एक बार देख लेते हैं। रवि सो ए मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवर्ड्स आउट ऑफ द पूल, मॉन्स्टर एक मॉन्स्टर क्रैब देखा, जो केकड़ा, क्रैब माने केकड़ा, एकदम मॉन्स्टर माने एकदम बड़ा बड़ा केकड़ा उसने देखा, जो साइडवेज वॉक कर रहा था, जो साइड से ऐसे अपना साइड लगा के वॉक कर रहा था आउट ऑफ द पूल, वो तालाब से जहां पे बैठा हुआ था रवि, इसके ऊपर के तट पे बैठा हुआ था, वहां पे उसने देखा कि केकड़ा पानी के बाहर से आ गए। अब उसने बोला गुड मॉर्निंग, मैं तुम्हें देख के बड़ा खुश हुआ, ऐसे करके वो बोला। जब उसने पलट के देखा तो कौन था, केकड़ा था। His eyes were on the end of the short stalk, जो केकड़े के ये जो short stalk है जिसके ऊपर आंखें लगी हुई है, उसके उस पे ये हमारा रवि की नजर, हमारे रवि की नजर पड़ी। And he looked most cute, वो एकदम घबरा गया। हमें अभी पता करना है कि ये जो stalk है ये क्या होता है, हम एक बार देखते हैं ये stalk क्या होता है। ऐसा दिखता है केकड़ा, ये केकड़े का पिंसर बोलते हैं या क्लो बोलते हैं, और उसकी जो आंखें रहती है वो इसके ऊपर, ये छोटा सा चीज देख लो डंडे जैसा छोटा, उसके ऊपर ही उसकी आंखें रहती है, और ये आंखें वो अंदर की तरफ भी लेके जा सकता है। तो रवि ने ये छोटे स्टॉल को वो देखा, उसकी नजर जो है पहले में ये छोटे स्टॉल के ऊपर पड़ा। रवि अभी एकदम डरा हुआ था, he looked most curious, बहुत डरा हुआ था। he held out his front claw to रवि, जो केकड़ा था उसने अपने आगे का जो क्लो है, जो जिसके जिससे वो चीजों को जकड़ता है और जिससे वो खाना खा लेता है, उसको उसने आगे की तरफ रखा। जैसे इधर देख रहे हैं ना, ये क्लो है, उसको आगे की तरफ किया, हमारे यहाँ पे है क्लो, ये जो दिख रहा है ये केकड़े का क्लो, तो ये क्लो केकड़े ने आगे की तरफ किया। तो रवि ने क्या किया हुआ, कोई उसको शेक हैंड करने के लिए आ रहा है, तो रवि ने क्या किया हुआ, रवि पुट आउट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लो, उसने भी अपना हाथ आगे की तरफ रखा। बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपनड हिज पिंसर एंड निप्ड हिज हैंड सो हार्ड दैट द लिटिल बॉय येल्प्ड इन पेन, बट वो आश्चर्य चकित हो गया, उसने तो हाथ दे दिया, उसने सोचा ये दोस्त है, जैसे नॉर्मली ये शेक हैंड करने आ रहा है, तो जैसे उसने हाथ दिया तो केकड़े ने उसका जो क्लो है, उसका जो पिंसर है वो लिया और उससे उसने उसके हाथ को
चुबो दिया और रवि जो है एकदम रोने लगा, आह देर और आह हियर इज माय गुड कजिन, ये किसने कहा होगा, ये मेरा कजिन आ गया है, सेड द क्रैब प्लसनली, खुश होते हुए क्रैब ने कहा, केकड़े ने कहा, आह हियर इज माय कजिन, कौन है कजिन, देखते हैं, टू रवि'स हॉरर ही सॉ ए लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्रॉलिंग हेवीली आउट ऑफ द पूल, रवि ने देखा कि एक लॉबस्टर जो है वो हम दिखाएंगे आपको, लॉबस्टर जो है वो भी आ गया और वो भी पानी से बाहर की तरफ आ रहा है, तो लॉबस्टर है क्रैब का कजिन। बिफोर द लिटिल बॉय ही कुड स्टॉप, वो अब चिल्लाना बंद कर सके, द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन हिज ग्रेट पिंसर लाइक क्लू, लॉबस्टर ने भी उसका हाथ ले लिया एंड पिंच्ड इट सो हार्ड दैट रवि अगेन येल्ड, लॉबस्टर ने भी उसका हाथ पकड़ लिया और उसको वो भी पिंच करने लग गए, देन ही स्टेयर्ड एट द पूल इन सरप्राइज, तब रवि ने पूल की तरफ देखा और आश्चर्यचकित हो गया, फॉर आउट केम सैंडी कलर्ड श्रिम्स एंड प्रॉन्स मोर क्रैब्स एंड अनदर लार्ज लॉबस्टर, तो वहां से श्रिम्स और प्रॉन्स और बाकी क्रैब्स और लॉबस्टर ये सब निकलने लगे, एंड दे प्रिक्ड रवि टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू विथ देयर पिंचिंग, उन सब ने रवि को पिंच किया और उसके हाथ पे नील पड़ गया, डोंट यू लाइक इट, सेड ऑल द क्रीचर्स इन सरप्राइज, सारे ये जो जानवर थे जैसे श्रिम्प हो गए, केकड़ा हो गया, प्रॉन हो गया, लॉबस्टर हो गया, ये सब ने मिलके बोला, तुम्हें मजा आ रहा होगा, व्हाई वी वर टोल्ड यू कुड लव टू सी अस बिकॉज यू वर चैंपियन पिंचर एंड प्रिकल यूरसेल्फ, कम कम जॉइन इन द फन, हमने सुना है कि तुम तो एक चैंपियन माहिर पिंचर हो और इसलिए तुम भी आ जाओ हमारे साथ ये पिंचिंग के ये जो मेले में है, एंजॉय करो, पिंच करना तो बहुत अच्छा रहता है, तुम तो बाकी लोगों को पिंच करते थे और बहुत सुकून पाते थे, तो आज जब तुम्हें पिंच मिल रहा है तो तुम्हें भी बड़ा सुकून मिल रहा होगा, रवि लेफ्ट टू हिज फीट, वो अपने पांव के ऊपर खड़ा हो गया, क्राइंग लाउडली, एकदम वो चिल्लाने लगा, रोते हुए चिल्ला रहा था, His lunch rolled into the pool. उसी टाइम क्या हुआ, उसका लंच जो है उसने लिया था वो नीचे की तरफ गिर गया, समुद्र की तरफ, सॉरी पानी तालाब की तरफ गिर गया, एंड व्हेन द क्रैब एंड लॉबस्टर सॉ इट, जब क्रैब और लॉबस्टर ने ये देखा वो उसकी तरफ चलने लगे, एंड बिगन टू फीस्ट ईगरली, और वो उसको खाने लगे, एकदम मस्त, आज तो भरपूर खाना मिल रहा है, शाही खाना मिल रहा है, ऐसे करके वो खाने लगे, रवि सो दैट दे हैड फॉरगॉटन हिम, रवि ने देखा कि वो सब भूल गए हैं, क्योंकि वहां पे उसके अंडे वगैरह जो लंच बॉक्स में थे वो सब नीचे गिर गए और ये केकड़े लॉबस्टर प्रॉन ये सब उसके ऊपर चले गए, वो खाने के लिए चले गए, तो उसने देखा कि ये सब तो भूल गए हैं मुझे, and he turned and ran for his life, वो भाग गया वहां से, एकदम दौड़ वहां से दौड़ा, वो जान बचा के भाग गया वहां से, tears streaming down his cheek, but भाग तो रहा था बट उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे, क्योंकि lobster, prawn और उनके crab, shrimps सब ने उसको pinch किया था, गाल से ये उसके आंसू टपक रहे थे, they only did to me what I keep doing to other children, he thought, but how it hurts, तब भी ये हमारे रवि ने सोचा कि वो तो वही कर रहे थे जो मैं सारे बच्चों के साथ कर रहा था, और उस समय उसको समझ में आया कि कितना दर्द होता है, and how I hated those crabs and lobsters,
कैसे मैं अभी कैसे नफरत कर रहा हूँ उस क्रैब और लॉबस्टर्स को, वैसे ही मुझसे बाकी बच्चे नफरत कर रहे होंगे। आई सपोज द अदर चिल्ड्रन एंड हेट मी टू, मुझे भी अभी एहसास हो रहा है कि बाकी भी जो मेरे दोस्त हैं वो मुझसे ऐसे ही नफरत कर रहे होंगे। वेल आई जोली वेल टेल शैन पिंच और प्रिक एनीवन। तभी उसने निश्चित किया, रेवी ने निश्चित किया कि वो कभी किसी को पिंच नहीं करेगा या किसी को दर्द नहीं पहुंचाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।